पहले तो मैं कहूँगा कि 14 साल पहले मैंने इसी जिम को जब खुला था तो मैंने एक परफॉर्मेंस दिया था, और आज बहुत खुशी हो रही कि मैं यहाँ पर इस ऐसे वाले सर्किट ट्रेनिंग वाले जिम को खोल रहा हूँ, गोल्स जिम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं गोल्स जिम का मेंबर रहा हूँ 10 या 14 साल से, और मैं यहाँ पर ट्रेन करते आ रहा हूँ। एंड यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो फैसिलिटीज़ है, यहाँ के जो यू नो जो एनर्जी है वो कहीं पर नहीं मिलता। और ख़ास बात मुझे अच्छी लगी कि गोल्स जिम अपने आप को हर 3 या 4 साल री इन्वेंट करता है, चाहे वो आपके मशीन्स में हो, चाहे अपग्रेड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई जिम्स जो सामान लेके आते हैं वो वहीं पे वहीं सेम हो जाते हैं, बट गोल्स जिम कीप्स री इन्वेंटिंग इटसेल्फ। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है, एंड क्योंकि ये बांद्रा में है, इट्स ईजी फॉर मी, आई लिव क्लोज बाय, तो इट्स अ मोस्ट आइडियल लोकेशन फॉर मी, लोकेशन वाइज, एनर्जी वाइज, वाइब वाइज, मशीन वाइब्स और टेक्नोलॉजी वाइब्स। गोल्स जिम हैज़ ऑलवेज बीन द फ्रंटियर फॉर यू नो जिम्स इन इंडिया, और आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा एक जिम मिला, बिकॉज ये जो सर्किट ट्रेनिंग का जो दौर चल रहा है वो थोड़ा अलग है, जहाँ पर आप आपकी कार्डियो भी हो जाती है और आपका ट्रेनिंग मसल्स भी ट्रेन हो जाते हैं, और एक बहुत ही अलग किस्म का ट्रेनिंग है, क्योंकि इसमें फंक्शनल स्ट्रेंथ यूज़ होता है, जाकि मोस्ट ऑफ टाइम्स अगर आप मशीन्स पे यूज़ करो, बेसिकली इफ़ यू गोइंग ऑन अ ट्रेडमिल और साइकिल, क्या होता है कि इट्स ओनली अ कार्डियोवास्कुलर मशीन, और इफ़ यू डूइंग वेट ट्रेनिंग इट्स ओनली अबाउट यू नो मसल स्ट्रेंथ। बट इन सर्किट ट्रेनिंग आपको दोनों चीज़ों का यू नो बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है, सो आई थिंक दैट्स द की एस्पेक्ट ऑफ यू नो डूइंग फंक्शनल ट्रेनिंग टुडे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसा एक यू नो स्पेस बनाया गया कि सिर्फ यू नो जो सर्किट ट्रेनिंग करने वाले हैं वो यहाँ पर आके सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इट बिकम्स वन मोर ऑप्शन, बिकॉज एक ही टाइप ऑफ ट्रेनिंग करना इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ दिन एरोबिक्स करो, कुछ दिन यू नो आप साइकिलिंग किया, कुछ दिन स्पिनिंग किया, कुछ दिन आपने यू नो ऐसा सर्किट ट्रेनिंग किया। इवन इफ़ यू डू ट्वाइस अ वीक सर्किट ट्रेनिंग, आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द बॉडी। पसीना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना पसीना आप निकालते हो इसका मतलब अच्छी बात है, बिकॉज और जो भी गर्मी पैदा हो रही है बॉडी में वो पसीने के द्वारा बाहर निकल रही है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड देखिए एयर कंडीशन होने के बावजूद इतना पसीना निकला है, इसका मतलब द इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई, जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई है। बुढ़ापा जस्ट जनरली बेसिकली ऐसा है कि एज यू ग्रो ओल्डर यू वॉन्ट टू फाइट एंड यू वॉन्ट काइंड ऑफ यू नो लुक फिट, यू वॉन्ट डू द सेम थिंग्स यू टू डू 10 years अगो। तो व्हेन आई फेल्ट कि यार यू नो इट्स इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्टे फिट, बिकॉज मैं वही सब चीज़ें करना चाहता हूँ जो मैं 10 साल पहले करता था, एंड मैं अभी कर सकता हूँ, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई वेंट टू फिटनेस। बट फिटनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिम तो ऑफकोर्स, बट 80% ऑफ द जिम इज़ बिल्ट इन द किचन, ऑफ द बॉडी इज़ बिल्ट इन द किचन। तो 80% जो बॉडी बनती है वो किचन में बनती है। किचन क्यों, मतलब जो आप खाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या खाते हो और कितनी बार खाते हो और कैसा खाना खाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिस्टमैटिक यू नो फूड और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली फॉर बॉडी बिल्डिंग इट इज़ नॉट अबाउट डाइटिंग, इट्स अबाउट ईटिंग राइट, कम नहीं खाना है, सही खाना है, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब न्यूट्रिशन मिले, एंड दैट इज़ द की रीज़न टू काइंड ऑफ यू नो गेट इनटू फिट। ऑल्सो मेरा पेशा है कि मैं परफॉर्म करता हूँ एज अ कोरियोग्राफर, मैं उन चुने कोरियोग्राफर्स में से हूँ जो अभी भी स्टेज पर परफॉर्म करता हूँ, डांस करता हूँ, और मुझे डांस करना ज़्यादा अच्छा लगता है दैन यू नो जस्ट कोरियोग्राफिंग। कोरियोग्राफिंग मैं किसी और को करवा रहा हूँ, लेकिन डांसिंग में मैं खुद को अपने आप यू नो अपनी एनर्जी, अपने अरमानों को, अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर रहा हूँ ऑन स्टेज, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड व्हेन यू वांट टू बी ऑन स्टेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी फिट रहे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में स्ट्रेंथ हो, आप में एंड्योरेंस हो, आप में फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डांसर एंड इवन फॉर मी टू काइंड ऑफ यू नो स्टे फिट। कब तक ऑडियंस आपको फिल्मों में देख पाएगी? ज़रूर, एक बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है, लिखी गई है, मैंने ही लिखी है, एक दो कोरियोग्राफर्स के यू नो ज़िंदगी के आधारित पे है, जो शादीशुदा है और उनमें क्या अनबन होती है और उनके बीच में क्या फासले और दरार आ जाती हैं, ऐसा ही कहानी मैंने लिखा है। 2 साल हो गए लिखते लिखते, अब उसको फाइनली क्लीन अप करके, टाइडी करके, देन आई एम गोना मीट द प्रोड्यूसर्स, सही प्रोड्यूसर जो यू नो आर्टिस्टिक फिल्म्स को
आर्टिस्टिक कमर्शियल फिल्म्स को बनाने में यू नो ज़्यादा रुचि रखते हैं उन्हीं को अप्रोच करूँगा, जो एक सेंसिबल सिनेमा है, जो यू नो सोच, जहाँ पर एक सोच हो, जहाँ पर यू नो जो इंसान जो देखता है पिक्चर को अच्छा पसंद भी करता है सब कुछ हर डिपार्टमेंट में, बट ये ऑल्सो गोज़ होम विद अ मैसेज, तो वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ उस यस यस उस फिल्म में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने आप को यू नो उस रोल में निभाऊं, क्योंकि वो रोल है वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स ए इट्स अ कोरियोग्राफर बट देर आर मेनी कोरियोग्राफर्स, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्टाइल ऑफ डांसिंग वो कोरियोग्राफर करता है वो कोई इंडिया में नहीं करता इसके अलावा यू नो अपार्ट फ्रॉम मी, सो नॉट इवन एनी अदर एक्टर। तो आई थिंक द स्टोरी जिस तरह से लिखी है इट्स द काइंड ऑफ स्टोरी विच ओनली आई कैन प्ले, सो इट मेक्स मोर सेंस फॉर मी टू प्ले, सो होपफुली आई विल प्ले दैट पार्ट। सर क्वेश्चन है, देखा जाए तो फिर आपने कई एक्टर एक्टर या एक्ट्रेस को कोरियोग्राफ किया है, कौन सबसे फास्ट पिकअप करता था आपके स्टेप्स? शाहिद कपूर इज़ वेरी क्विक, ऋतिक रोशन इज़ वेरी वेरी क्विक, आई थिंक दीज टू आर द क्विकेस्ट। ये दोनों बहुत ही चपल, बहुत ही यू नो निपुण हैं एंड दे आर वेरी क्विक, सो उनकी पिकअप बहुत फास्ट है। सबसे लेट में देखा जाए तो वेल जो डांस में रुचि नहीं रखते हैं उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, तो जैसे अजय देवगन साहब को थोड़ा वक्त लगा बट ही मैनेज्ड, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने किया, सो आई थिंक इट्स वेरी नाइस। आई मीन इट्स सी दे आर एक्टर्स दे आर नॉट डांसर्स, सो कुछ एक्टर्स एक्टर्स होते हैं, वो अभी कई आज की पीढ़ी ऐसी है जो एक्टिंग डांसिंग स्विमिंग राइडिंग सब कुछ जानती है, बॉडी भी सब इट्स अ फुल पैकेज नाउ डेज, बट जो पुराने एक्टर्स हैं जो मतलब सीनियर एक्टर्स हैं, उनसे पुराने बट सीनियर एक्टर्स हैं, दे फोकस मोर ऑन द एक्टिंग स्किल्स, सो आई गेस इट्स ओके इफ दे कांट डांस। नई पीढ़ी की बात करें तो आज के दौर में कौन है आपका मनपसंद? आई थिंक डांसिंग में तो टाइगर श्रॉफ इज सुपर्ब, अच्छी बॉडी अच्छी फिजिक तो एक तरफ, बट ही ऑल्सो इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, और वो फ्लेक्सिबिलिटी को शायद कोरियोग्राफर अगर अच्छी तरह से एक्सप्लॉयट करे आई थिंक टाइगर कैन बी अफ अमेजिंग सेंसेशन इन डांस। ओके सर, फाइनली सर, डांस इंडिया डांस प्लस आपने खतरों के खिलाड़ी भी, कहाँ सबसे ज़्यादा एंजॉय कर पाए? मैं देखिए जब आप एक जज होते हैं तो एक जिम्मेदारी होती है, सो दैट्स ग्रेट, और आपका आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप यू नो सही मायनों में इसको जज करें एंड बी फेयर, तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन इन खतरों के खिलाड़ी मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि आई वॉज अ कंटेस्टेंट, और वहाँ पर मुझे ऐसे ऐसे स्टंट्स, ये तो फिर भी बहुत आसान थे, बहुत सारे ऐसे खतरनाक स्टंट्स करने पड़े, और यू नो इट वॉज ऑल द थिंग्स, एक बकेट लिस्ट बनाई थी हमने, यू नो मरने के पहले 50 चीज़ें करनी चाहिए मुझे, उनमें से एटलीस्ट 20 or 25 वहाँ से मैंने निकाल दी, क्योंकि मैंने वो सब चीज़ें जो मुझे करनी थी मैंने खतरों के खिलाड़ी में करी, तो एज एन एडवेंचर पर्सन मैं बहुत ही एडवेंचरस हूँ, बहुत ही स्पोर्टी हूँ, तो मुझे जीतना पसंद है, मुझे खेलना बहुत पसंद है, आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी स्पोर्टी एंड वेरी कंपेटिटिव चाइल्ड, तो मुझे बहुत पसंद था खतरों के खिलाड़ी, वॉज माई बेस्ट एक्सपीरियंस। सबसे कुछ खास एक मेमोरी शेयर कर सकते हैं उसके? हाँ मुझे पता है कि एक स्टंट मैंने बहुत अच्छा नहीं किया था, और मेरे दो कंटेस्टेंट्स थे, उनका नाम नहीं लूँगा, वो बहुत डरते थे मुझसे क्योंकि मैं डांसर हूँ, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी मेरी स्ट्रेंथ अलग है, और वहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं बट बहुत ही बॉडी की चपलता बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो कितना क्विक कितना एजाइल हो कितना रिएक्टिव कि यू नो इमीडिएट रिएक्शंस, तो दे ऑलवेज टू काइंड ऑफ पिक मी टू गो फर्स्ट, और जो भी पहला जाता है उसकी वाट लग जाती है बिकॉज यू डोंट नो द स्टंट, वेर एज इफ यू गो सेकेंड यू कैन ऑलरेडी सी द स्टंट, हाँ इसको ऐसा करना चाहिए ऐसा करना, जो पहला जाता है उसकी मतलब बच जाती है, तो हर बार मुझे वो पहले ही लेते थे, और एक स्टंट किया था जहाँ पे उन्होंने हमें एक मॉर्ग में लिया था और 5,000 मैडागास्कर का कॉकरोचेस मेरे बदन पे थे, और मुझे जानवरों से इतना परहेज नहीं है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम नॉट इवन विद कॉकरोचेस नॉट एन इश्यू, बट ये कॉकरोचेस काटने लगे क्योंकि वो एक बॉडी बैग में, दे पुट मी इन अ प्लास्टिक बैग, और उस प्लास्टिक बैग के अंदर घुसे थे 5,000 कॉकरोचेस, और फिर वो यू नो वर्म्स भी थे, सो वो जिस तरह से मैं उस हालात में, और वो एक मॉर्ग में हमें 5 मिनट के लिए अंदर रहना पड़ता है, तीन मिनट के लिए, और जो वो 3 मिनट के अंदर रह सकता है और ताले खोल सकता है वो, तो उस स्टंट में मैंने ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाया, तो मेरा नेक्स्ट स्टंट मुझे और अच्छा करना था, तो वो स्टंट में कॉकरोचेस ने सब काटे थे, वो सब खून वो निकला था, और उसी शाम को हम एक एक्स्ट्रा स्टंट करने वाले थे जहाँ पर बर्फ़ के साथ करना था, बर्फ़ पड़ रही है आपके सर पे, आप सी के ऊपर लटके हुए हैं एक यू नो क्रेन के साथ, और जब बर्फ़ यहाँ तक आएगा आपको वो दरवाज़ा खुल जाएगा और पानी के अंदर आपको ड्रॉप किया जाता है, तो वो जो हादसा था क्योंकि वो बर्फ़ जैसे जमता गया फुल बॉडी के ऊपर,
पूरी बॉडी एकदम नम हो गई थी, और फिर जब हम पानी के अंदर उतरे और जब बाहर निकले तो यू नो इट इज अ रिएक्शन दैट हैपेंस, पूरी बॉडी बर्न होने लगती है. तो वो जो बुरा हाल हुआ था वो दिन, वो स्टंट में जीत पाया, बट जिस हालात में जीत पाया इट वॉज लाइक रियली अ बिग मेमोरी. सो आई थिंक मेरे पास खतरों के खिलाड़ी विच वॉज इन ब्राज़ील रियो, आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ वॉज इन खतरों के खिलाड़ी.